जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की अत्यधिक महत्ता बताई गई है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आपको हर घर में तुलसी का पौधा देखने मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ये जान लेना जरूरी है कि तुलसी का पौधा आपको घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे तो तुलसी का पौधा आपको घर के आंगन में बिल्कुल बीचों बीच लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां पे आंगन नहीं होता, तुलसी का चबूतरा नहीं होता, तो आप तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा में या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। ये तीनों दिशाएं ही बहुत ही शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण होता है और पूर्व दिशा में आप हर प्रकार के शुभ काम कर सकते हैं। तो इन तीनों दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा एक सामान्य पौधा नहीं माना जाता, तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी तुलसी का पौधा आपको बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, या तुलसी के पौधे का स्पर्श भी आपको बिना नहाए, बिना स्वच्छ हुए नहीं करना चाहिए। रविवार को, मंगलवार को आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ ही अमावस्या के दिन, चौदस तिथि को, एकादशी के दिन या फिर जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और ना ही तुलसी के पौधे का आपको उस दिन स्पर्श करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भी आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए। अगर आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा तोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको स्नान किया हुआ और स्वच्छ होना चाहिए। पत्ते तोड़ने की आपको माँ तुलसी से आज्ञा लेनी है। उसके बाद आपको 3 बार ताली बजाना है और एक मंत्र का जप करते हुए आपको पत्तों को तोड़ना है। यह मंत्र है, मातु तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वं नमस्तुते। ऐसा बोलते हुए आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं और उसके बाद माँ तुलसी को आपको धन्यवाद करना है। कभी भी दोस्तों, तुलसी का पत्ता अगर आपको प्रसाद में मिलता है या चरणामृत में मिलता है तो तुलसी के पौधे का सेवन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे दांतों के बीच आपको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पौधे में 12 धातु होता है जिसको चबाने से आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी तुलसी के पत्ते को चबा करके नहीं खाना चाहिए, उसे सीधा निकल जाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी जब हम पूजा में उपयोग में लाते हैं तो भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर और गणेश जी पर कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी तुलसी के पत्ते हमें अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। परंतु दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, सदैव भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त उन्हें भोग के साथ तुलसी दल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पूजा की विधि और नियम क्या है। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा से पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम माँ तुलसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। उसके बाद माँ को जल अर्पित करें और जल अर्पित करते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। और इस मंत्र को बोलते हुए आप तुलसी माता को जल अर्पित करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी को हल्दी और सिंदूर अर्पित करना है, क्योंकि यह उनका श्रृंगार है। इसके बाद आपको तुलसी जी के समक्ष
घी का दीपक जलाना है, उन्हें धूप दिखाना है और उन्हें प्रसाद अर्पित करना है। इसके बाद शालिग्राम और वृंदा देवी को स्मरण करके तुलसी माता की जय जयकार करनी है। उसके बाद आपको माँ तुलसी की परिक्रमा करनी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं और वो नाम है वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। तो सुबह जब आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप हाथ जोड़ करके इन 8 नामों को भी मन ही मन दोहराएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता, किसी प्रकार का अभाव नहीं होता, उस मनुष्य को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे से संबंधित कई ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जो कि करने में तो बहुत आसान है परंतु बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है, बड़ों का कहना नहीं मानती, तो एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है कि पूर्व दिशा में खिड़की के पास तुलसी का पौधा रखना चाहिए, इससे संतान आज्ञाकारी होती है। अगर किसी घर में किसी कन्या का विवाह संबंध नहीं हो पा रहा है तो तुलसी का पौधा आप दक्षिण पूर्व दिशा में रखें और उसे नियमित रूप से जल अर्पित करें, इससे शीघ्र ही विवाह के संयोग बनते हैं और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा किचन के पास रखा जाए तो इससे घर के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, नवीन गृह में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको तुलसी का पौधा, अपने इष्ट देवता का चित्र, गौमूत्र, गंगा जल और पानी का कलश लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, प्रसन्नता का वातावरण रहता है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। तुलसी का पौधा लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी तुलसी का पौधा सूख ना पाए, उनकी भली भांति देख रेख करनी चाहिए। मान्यता है कि घर में सूखा हुआ तुलसी का पौधा अशुभ होता है। अगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी नदी, तालाब या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर अगर कोई जो है नदी, तालाब या कुआं अगर उपलब्ध ना हो तो तुलसी के सूखे हुए तुलसी के पौधे को तोड़ करके आप किसी भी गमले में जो है वो दबा दें और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें और फिर आपको नया हरा भरा पौधा घर में लेकर के आए और तुरंत ही गमले में एक हरा भरा पौधा रोपित कर दे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप तुलसी पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके लाभ उठाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।